देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 28 मोमेंटम कंजर्वेशन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम का बुलेट है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, 30 बाय 1000 एक राइफल में से निकलती है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 300। ये देख रहे हो M1 और V1, बुलेट का M1 पता है, बुलेट का V1 पता है, जो राइफल है उसका मास नहीं पता, और राइफल पीछे की तरफ आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.60 तो V2 पता है। तो जब बुलेट चलती है गन पीछे आती है तो इक्वेशन क्या अप्लाई करते हैं, M1V1 इज M2V2। तो लगाओ फॉर्मूला M1V1, यहाँ से M2V2, तो M1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, सॉल्व करके क्या निकालना है M2। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? M1 V1 M2 V2 क्लियर है, कैसे लगेगा? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर टू ये रहा, 40 kg शेल इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक शेल है वो किसी वेलोसिटी से उड़ रहा है, उड़ते उड़ते मूव करते करते वो दो हिस्सों में टूट गया। बॉम्ब है शेल, एक बॉम्ब की तरह वो टूट गया। उनमें से वन ऑफ द पीस जो 15 kg का है वो तो रुक गया, वहीं रुक गया, और जो बचा हुआ है वो कितनी स्पीड से आगे गया, ये क्वेश्चन है। शीट ले लो जिसके पास नहीं है, वहां से शुरू कर दो बांटना ना, ठीक है। तो ये बताओ जो बॉम्ब का या शेल का एक्सप्लोजन है वो मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करता है, ये पता है? तो शेल के फटने से पहले मोमेंटम और फटने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। शेल के फटने से पहले मोमेंटम क्या था, बॉम्ब के फटने से पहले मोमेंटम क्या था, जीरो था क्या? नहीं, ये बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ नहीं फटा, ये मूव करता हुआ फटा है। तो इसके अंदर क्या है, ये मूव कर रहा था तो फटने से पहले इसका मास क्या था 40 और वेलोसिटी क्या थी 20, तो मास इनटू वेलोसिटी। फटने से पहले ये मोमेंटम है, फटने के बाद क्या हुआ, दो पीस हो गए, 15 kg का एक होगा और 40 में से 15 गया, 25 का एक होगा, 15 और 25 का ऐसे ही होगा। तो 15 kg वो कहते हैं रेस्ट पे आ गया, रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम इमीडिएटली उसका क्या हो गया, जीरो। तुम्हें कैसे पता कि वो ऑपोजिट आया? तो एक पीस उधर गया ही नहीं, वो तो रुक ही गया, एक पीस तो रुक गया ना, रुक गया तो जीरो खत्म। तो दूसरा गया विद द वेलोसिटी ऑफ वी, दूसरे को राइट जाना पड़ेगा, पता है क्यों? ये देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव, तो फाइनल भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये टुकड़ा वापस नहीं आ सकता, ये टुकड़ा आगे जाएगा ताकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, जीरो नहीं करना ना इस बार। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो शेल जो पहले फटने से पहले मोमेंटम के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा रेस्ट पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी जीरो कर दें, मोमेंटम जीरो कर दें, और दूसरा मूव करेगा 25 किलो का विद द वेलोसिटी ऑफ वी निकाल लेना। कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है यहां तक? तभी तो मैं कह रहा था आने वाले टॉपिक्स में यही तो होगा, अच्छा वाला बॉम्ब उड़ रहा होगा प्रोजेक्टाइल की तरह, प्रोजेक्टाइल का टॉपिक आ गया, उड़ रहा है और उड़ते उड़ते फट गया, तो मैं फटाफट लगाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। अब देखो कितनी ट्रबल है, जिसे नहीं सुना उसको पता ही नहीं कि कैसे लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो समझ में आ रहा है कैसे लगेगा, फटने से पहले मोमेंटम, फटने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, गन जिसका मास 4 kg है, 4 किलो की गन है, और वो बुलेट निकालती है 80 ग्राम का, ये रहा बुलेट का मास पता है M1, गन का मास M2, और कितनी वेलोसिटी के साथ 120 कहाँ, राइट की तरफ, विद व्हाट वेलोसिटी गन रिकॉइल करेगी, तो क्या निकालना है V2, गन की वेलोसिटी निकालनी है V2, तो क्या लगेगा M1 V1 इज
एम टू बी टू, तो बुलेट के लिए एम वन पता है, बुलेट की वेलोसिटी पता है, मास पता है और वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ये बुलेट के लिए और ये गन के लिए, तो गन का मास या गन की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ से एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू लगाएंगे तो आंसर आएगा। सही है, क्योंकि ना बुलेट चली और गन पीछे आई, तो एक ही फॉर्मूला एम वन वी वन एम टू वी टू, तो एम वन पता है, वी वन पता है, एम टू पता है और वी टू आ गया, एक आंसर आ गया। करेक्शन कर लेना, ये मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। गोली चलने से पहले और बाद में मोमेंटम क्या था, जीरो, क्योंकि गोली चलने से पहले गोली तो रेस्ट पे थी और गन भी रेस्ट पे था, तो टोटल मोमेंटम इनिशियली क्या था, जीरो, फाइनल भी क्या रहेगा, जीरो। तभी तो कंजर्वेशन मोमेंटम बनेगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक? लिख देना मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बस मोमेंटम विल बी कंजर्व, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अब कंजर्व में टीचर समझ ही जाएगा, कंजर्व मीन्स कॉन्स्टेंट। अब वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी लगा दो, यही तो है थ्योरम, कॉन्स्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा, नहीं आती थ्योरी, न्यूमेरिकल ही आएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट, कार जिसका मास 1000 किलो है इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30, कोलाइड्स विद अ बैक ऑफ स्टेशनरी लॉरी। एक लॉरी खड़ी थी 9000 kg और स्टेशनरी का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। टक्कर लगती है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ व्हीकल्स इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इफ दे रिमेन जैम्ड टुगेदर। दोनों चिपक गए, चिपक के कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपको कॉमन वेलोसिटी बतानी है दोनों की क्या होगी। तो टक्कर से पहले ये केस है, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, टक्कर के बाद दोनों का मास क्या हो गया, 1000 और 9000 मिला के 10000, और कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो कोलिजन से पहले कार का मोमेंटम 1000 × 30 और लॉरी का कितना, जीरो। टक्कर के बाद क्या है, 10000 × v, कॉमन, v कॉमन की वैल्यू आ गई आंसर। तो यहां से कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, बुलेट जिसका मास 7 ग्राम है, मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, 7/1000 kg, इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 7 kg। तो 7 kg का आगे क्या पड़ा हुआ था, एक ब्लॉक पड़ा हुआ था रेस्ट पे। तो एक बुलेट है, ब्लॉक को हिट करने जा रहा है, द ब्लॉक इज फ्री टू मूव, टेबल के ऊपर ब्लॉक तो मूव कर सकता है। आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक इज 70, मतलब बुलेट ब्लॉक के अंदर आ गया, कंबाइंड वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी कितनी की बने, 70 cm/s, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। पर जब बुलेट ब्लॉक में आ गया तो टोटल मास क्या हो गया, ब्लॉक का मास और बुलेट का मास। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकालनी है। इस कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या है, बुलेट का 7/1000 × u, यही मोमेंटम है, और ब्लॉक का क्या है, जीरो, वो रेस्ट पे है। और टक्कर होने के बाद टोटल मोमेंटम, टोटल मास इनटू वेलोसिटी, यहां से सॉल्व करके यू निकाल लेना आंसर।
पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें? तो कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है, थ्योरी में सिर्फ टिप्स बता रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कैसे लगने हैं? क्वेश्चन तो ऐसे आने हैं, थ्योरी में कुछ ना आएगा ऐसा, ये आएगा, लगाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम फिर इसका मोमेंटम इक्वेट हो गया। ठीक है यहाँ सर, तो ट्रक जिसका मास 2×10⁴ kg है और कितनी स्पीड से चल रहा है 0.5, कोलाइड विद अनदर ट्रक ऑफ हाफ इट्स मास। हाफ मास का मतलब इसका मास अगर 2 है तो इसका 1 है, आधा कर दो। इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4, ये ऑपोजिट आ रहा है 0.4। अब वो क्या कह रहा है, इफ द ट्रक कपल्स ऑटोमेटिकली ऑन कोलिजन, तो कॉमन वेलोसिटी बताओ, ये दोनों ट्रक्स आपस में टक्कर खा गए और चिपक गए, कपल हो गए, तो फिर कॉमन वेलोसिटी बताओ क्या है। तो आज करवाया था हेड ऑन कोलिजन है, इसका मोमेंटम पॉजिटिव है टक्कर से पहले m1 × v1, इसका मोमेंटम नेगेटिव है, और टक्कर होने के बाद टोटल मास ऐड हो गया और इनटू कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी निकाल लेना आंसर। तो दोनों का पहले इंडिविजुअल मोमेंटम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? डाउट है, सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्लियर है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन जिसका मास गिवन है, न्यूट्रॉन मास गिवन है और स्पीड गिवन है, कोलाइड विद ड्यूट्रॉन जिसका मास गिवन है और रेस्ट पे पड़ा होगा ये रहा, तो एक जो है न्यूट्रॉन एक ड्यूट्रॉन। फिर वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर कोलिजन न्यूट्रॉन स्टिक्स विद ड्यूट्रॉन, दोनों चिपक गए और कॉमन वेलोसिटी निकाल दो फिर से एक बार। तो इसका मोमेंटम दिस इनटू दिस, इसका मोमेंटम जीरो, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों मासेस को ऐड करके इनटू कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी। तो समझ में आ रहे हैं यहाँ तक क्या लॉजिक है इसमें? तो कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम की वैल्यू सेम।
क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो लगाना आ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। बॉम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री फ्रेगमेंट, तीन हिस्से हो गए बॉम के ऑफ इक्वल मासेस। अगर मास m था तो m बाई थ्री, तीन टुकड़े हो गए। इनमें से दो टुकड़े राइट एंगल पे चले गए, एक 9 के साथ एक 12 के साथ, और तीसरे टुकड़े को हर हालत में यहीं जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इसका मोमेंटम m बाई थ्री इंटू 12, इसका मोमेंटम m बाई थ्री इंटू 9, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मोमेंटम वेक्टर है, तो ये बनेगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। ये दो का मोमेंटम है, तीसरे को ऑपोजिट जाना पड़ेगा ताकि इस बॉम के फटने से पहले मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी क्या होना पड़ेगा? जीरो। और जीरो तभी होगा जब ये वेक्टर इसको क्या करेगा? कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन यही बनेगी ना, ये जो मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड m बाई थ्री इंटू v के इक्वल होगा। इसे सॉल्व कर लें और v की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लॉजिक लगेगा इसमें, नेट मोमेंटम कैसे निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, और तीसरा वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? क्लियर है? ठीक है, सही। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वन क्विंटल 100 kg, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, अ मैन वेइंग 60 kg रन्स अलोंग द रेल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 km/h मीटर पर सेकंड में 5। तो एक मैन जो है 60 kg का, वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक जंप करता है एक कार के अंदर जिसका मास 1 क्विंटल है, रेस्ट पे खड़ा हुआ है। 100 kg का की ट्रॉली खड़ी हुई है रेस्ट पे, इस पे जंप करता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो, जब मैन खड़ी ट्रॉली पे जंप करता है तो दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। ये वैसे ही है जैसे बुलेट एक ब्लॉक को हिट करता है तो दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं, सेम ही तो है। तो यानी कि जंप करने से पहले मोमेंटम कितना है? 60 × 5, और ट्रॉली का तो जीरो ही था, ये तो मूव ही नहीं कर रही थी। जंप करने के बाद ट्रॉली में कौन बैठ गया? मैन। तो ट्रॉली का मास कितना है? 100, और मैन का 60, तो टोटल क्या हो गया? 160, कॉमन वेलोसिटी वी आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि वी की वैल्यू कैसे आएगी इसमें। तो जंप करने से पहले मोमेंटम मैन का इतना मोमेंटम है, ट्रॉली का जीरो है। जंप करने के बाद मैन और ट्रॉली दोनों एक मास बन गए 160 kg का, और मूव करेंगे विद कॉमन वेलोसिटी। सही। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है बुलेट्स वाला, ये ऑलरेडी किया हुआ है तो ये डन है। ठीक है, लास्ट टाइम कर लिया था बुलेट्स वाला।